कई बार हमारे लाइफ में कुछ संकट आने से पहले या अगर हमारे साथ भविष्य में कोई परेशानी आने वाली है, कोई कष्ट आने वाला है, तो उसके संकेत हमें पहले ही मिलना शुरू हो जाते हैं। अगर तो आप उन संकेतों को पहचान जाते हैं तो हो सकता है भविष्य में आने वाले संकटों से कुछ हद तक बचा जा सकता है, क्योंकि इस संसार में परमात्मा की शक्ति सर्वोपरि है, अर्थात इस सृष्टि को चलाने वाली जो सुपर पावर है वो शंकर भगवान है। हर एक के ऊपर भोलेनाथ का आशीर्वाद बना रहे, यही हमारी मनोकामना होती है। कई बार इंसान को कुछ ऐसे साइन मिलते हैं जो आने वाले फ्यूचर में क्या घटनाएं हो सकती हैं उसकी तरफ इशारा करती हैं। हमारे ज्योतिष में बिल्कुल स्पष्ट बताया गया है कि जब इंसान को भविष्य में कष्ट मिलने का संयोग होता है या अगर किसी इंसान के जीवन में भविष्य में कष्ट आने वाला है तो किस किस तरह के लक्षण या किस किस तरह के साइन उसे मिलना शुरू हो जाते हैं। आज का यह एपिसोड आप सभी भक्तों के लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे लक्षण जो आपको जानना बहुत जरूरी है। बाहर की जो डिस्टरबेंस है, जो नॉइस है, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे संकेत जिन्हें अगर आप सुनते हैं, समझते हैं, तो आप फ्यूचर में आने वाले बहुत से संकटों को टाल सकते हैं। नमस्कार, सुस्वागतम, आभार। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का ज्योतिष मिराकल के आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर बना रहे। मेरे प्यारे बंधुजनों, हर एपिसोड में हमारी यही मेहनत होती है कि हम आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी लेकर आते रहें, हम आपके लिए ऐसे एपिसोड बनाएं जिनको देखने से आपका जो जीवन है वो सुधरे, आपको जीवन में तरक्की मिले, आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आए। तो ऐसे ही एक एपिसोड के साथ आज हम प्रस्तुत हुए हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी भक्तों को आज का यह एपिसोड बेहद पसंद आएगा। एपिसोड को शुरू करने से पहले सभी भक्त हाथ जोड़ करके भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करेंगे। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युरमोक्षीयमामृतात् बुलिशंकर भगवान की जय। तो मेरे प्यारे बंधुजनों, मैं पंडित नितिन शास्त्री प्रस्तुत हूं आप सभी के सम्मुख एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एपिसोड के साथ। क्या आपकी नींद हर रात 12 बजे से 2 बजे के बीच में खुल जाती है? अगर लगातार आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपको सावधान होने की आवश्यकता है। कई बार किसी कारण से हमारी आंख रात को खुल जाती है, लेकिन अगर लगातार एक खास टाइम पर हमारी आंख खुल रही है तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण है, तभी हमारी नींद रात को एक खास टाइम पर खुल रही है। रात्रि को सोने के बाद इंसान दूसरी अवस्था में चला जाता है। इंसान
सपनों की दुनिया में चला जाता है और सोते समय मनुष्य की जो आत्मा है वो परमात्मा से कहीं ना कहीं जुड़ी होती है और परमात्मा सपनों के द्वारा हमें ऐसे संकेत देता है जो आने वाले भविष्य में हमारे साथ होता है। कई बार सपनों में हमें उन चीजों का एहसास होता है और अगर रात को एक खास टाइम पर हमारी नींद खुल रही है तो ये भी परमात्मा का कोई संकेत होता है हमारे आने वाली लाइफ के बारे में। 12 बजे से 2 बजे के बीच में अगर आपकी नींद खुलती है तो यह बिल्कुल भी एक अच्छा चीज नहीं मानी जाती। 12 बजे से 2 बजे के बीच में लगातार आपकी नींद खुलना इस बात की तरफ इशारा करता है कहीं ना कहीं आपके शरीर पर कोई नेगेटिव चीज हावी होने की चेष्टा कर रही है। कोई ना कोई नेगेटिव चीज आपको जकड़ने की कोशिश कर रही है क्योंकि 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच का जो समय होता है ये तंत्र प्रभाव शक्तियों का समय होता है। अर्थात इस समय में तंत्र मंत्र टोना टोटका इन चीजों का जो प्रभाव है वो ब्रह्मांड में बहुत ज्यादा रहता है। 12 बजे से 2 बजे के बीच में नींद का टूटना इस बात का संकेत होता है कि आप ना चाहते हुए भी किसी बहुत बड़ी समस्या से गुजर रहे हैं या इसका एक संकेत यह भी हो सकता है कि आपके मन मस्तिष्क पर कोई ऐसी चीज हावी हो रही है जो आपको भविष्य में आगे चलकर और बहुत ज्यादा परेशान करने वाली है या फिर इसका एक मतलब यह भी है कि आप अपनी लाइफ के ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां मेंटली आप बहुत ज्यादा प्रेशर में हैं या आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा उथल पुथल चल रही है। रियल लाइफ में कोई ऐसी चीज है जिसको आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं और आप किसी ना किसी चीज के बर्डन में हैं। देखिए अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो इसका सबसे बड़ा और सबसे उत्तम एक ही सॉल्यूशन है कि अपने द्वारा पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का तुरंत प्रभाव से जाप करना शुरू कर दें क्योंकि भगवान भोलेनाथ हर समस्या से छुटकारा दिलाने वाले हैं। ओम नमः शिवाय का जितना ज्यादा आप रटोगे उतना ज्यादा समस्याओं से आप बाहर निकलते हुए आ जाओगे। लगातार 12 बजे से 2 बजे के बीच में नींद का टूटना इस बात की तरफ इशारा करता है कि आप अपनी असली जिंदगी में कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा असफलताएं मिल रही हैं जिनके कारण आप बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हो चुके हैं। आप जिस टारगेट को लेकर चल रहे हैं वो टारगेट में आपको बिल्कुल भी सफलता नहीं मिल रही है। आप जो भी मेहनत कर रहे हैं मेहनत का बिल्कुल भी फल आपको नहीं मिल रहा है। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आप एक कार्य और करें। सोमवार के दिन शिवलिंग पर गाय के कच्चे दूध से ओम नमः शिवाय बोलते हुए अभिषेक करना शुरू कर दें। लगातार सोमवार के दिन शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय बोलते हुए अभिषेक करना शुरू कर दें। आपकी सभी ग्रह कष्ट पीड़ा शंकर भगवान हर देंगे। कम से कम 10 लोगों के साथ यह एपिसोड शेयर जरूर करिए। जय माता की।